हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम नेहा आशीष तिवारी की। तो बहुत दिन हो गए थे कि नेहा के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। वैसे मैं नेहा के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये रिएक्शन उस वीडियो पर है जो वीडियो नेहा की कल आई थी, जिसमें वो लाइव आई थी, जिसमें वो रो रही थी। तो ये उसके ऊपर है। देखो, बहुत दिन हो गए इस चीज़ को, है ना, बहुत दिन हो गए। और माना कि नेहा ने बहुत बड़ी गलती की है ना, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसके जो जिम्मेदार है ना, वो दोनों इंसान हैं, दोनों ही इंसान हैं, चाहे वो जगत भैया हों चाहे जगत दीदी हों। क्योंकि बहन भाई के रिश्ते को अगर बदनाम किया है तो दोनों ने मिलकर किया है, किसी एक ने नहीं किया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जगत भैया को क्लीन चिट दी जा रही है और नेहा को बिल्कुल बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो माना कि दोनों ने बहुत गलत काम किया है, एक बहन भाई के रिश्ते को शर्मसार किया है ना। लेकिन उसमें गलती क्या अकेली नेहा की है, सचिन की गलती नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी गलती नेहा की है उतनी ही गलती सचिन की भी है। सचिन एक शादीशुदा आदमी है, एक शादीशुदा आदमी होकर, एक पत्नी होकर दूसरी औरत को, है ना, दूसरी औरत को उस निगाह से देख रहा है, गलत निगाह से देख रहा है ना। नेहा की भी गलती है। नेहा उसको भाई भाई बोलती थी, लेकिन नेहा का क्या था, नेहा के हस्बैंड नहीं थे, ठीक है, नेहा के हस्बैंड नहीं थे। लेकिन जब किसी के साथ कोई, जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जब कहीं से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर मिलती है ना, तो उसके प्रति थोड़ा ना अट्रैक्शन हो जाता है। ये नहीं बोली मैं नेहा गलत सही है, अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। रिश्ता दोनों का गलत था, लेकिन अगर नेहा का अट्रैक्शन उसकी सचिन की तरफ था, तो सचिन उस चीज़ को मना कर सकता था ना कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मना सचिन ने भी नहीं किया कि नहीं, मैं तुम मुझसे अलग हो जाओ, क्योंकि चलो नेहा का पति नहीं था, नेहा सिंगल थी उस टाइम पर, लेकिन सचिन के साथ तो उसकी पत्नी थी। तो गलती दोनों की हुई ना, सिर्फ खालिस नेहा की तो नहीं हुई ना। आपको लगता है कि सचिन के चेहरे पे इतना सा भी कहीं दुख है, कहीं दुख का नामो निशान? देखो, वीडियो बनाता है, डेली वीडियो में आता है, कहीं उसके चेहरे पे इतना सा भी दुख का वो है कि तूने बहुत गलत किया है, तूने अपनी वाइफ को धोखा दिया है, लगता है कभी उसके फेस से 1% भी उसके फेस पे इस चीज़ का एहसास है कि तूने गलती की है? शुरू से क्या मकसद रहा, जब से साथ नेहा की एंगेजमेंट हुई तब से क्या मकसद रहा है सचिन का? सिर्फ एक मकसद रहा है कि मुझे किसी भी तरह नेहा की और सुमित भैया की एंगेजमेंट तोड़नी है। चलो गलती हो गई, नेहा मूव ऑन कर गई, तो भाई तू भी तो मूव ऑन कर लेना। जो गलती हुई, जो बहन भाई के रिश्ते को तुमने ये सब कुछ रायता फैलाया, ठीक है, फैलाया, लेकिन अब तुम मूव ऑन भी तो कर सकते हो ना। अगर नेहा अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है सुमित के साथ, तो तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। अब एक लड़की को इतना देखिए उसकी नेहा अगर वीडियो बनाए, अब आप लोगों ने एक चीज़ की, अगर नेहा वीडियो बनाती है लाइव आती है तो ये बेशरम है, नहीं आती है तो मुँह छिपा के बैठी है। यार भगवान हो, भगवान नहीं है, हम लोग इंसान ही है ना, गलती इंसान से ही होती है। बहुत बड़ी गलती की है नेहा ने, बहन भाई के रिश्ते को शर्मसार किया, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की कि आप लोग उसको मरने के लिए मजबूर कर दो। मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हम लोग उसको, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, हम भगवान नहीं है कि हम उसको जीने मरने का हम उसको वो दे देंगे। माना उसने गलती की है तो क्या इतनी सजा उसको मिल गई, पूरे यूट्यूब पर उसकी इतनी बदनामी होगी, क्या वो कम है? अब तो उसको छोड़ सकते हो। एक नेहा के चक्कर में कितनी ही औरतों पर उंगली उठाई जा रही है। बहुत गलत रिश्ता था इन दोनों का, जिस तरह से भाई, इस तरह से तो हम अपने सगे बहन भाई को हगनी करते हैं, गले नहीं मिलते हैं, जिस तरह से ये अपने ऑनलाइन भाइयों से को गले लगाती थी। इन्होंने, सचिन ने और नेहा ने ऐसा कर दिया है ना कि लोग बहन भाई के रिश्ते पर कभी आज के बाद विश्वास नहीं करेंगे कि यूट्यूब पर ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है।
ठीक है, एक सोशल मीडिया पर बहुत ही गलत संदेश गया है ये बहन भाई वाला। लेकिन सिर्फ मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि सिर्फ नेहा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, सचिन को क्यों नहीं? जितनी गलती नेहा की है उतनी गलती सचिन की भी है। एक बात हो रहा, कहते हैं कि जब अगर औरत की मर्जी ना हो ना तो आदमी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। बिल्कुल सही है, तो वही तो बोल रही हूँ, गलती दोनों की है। उसको तो क्लीन चिट देके बिठा दिया, वो तो शादी कर रहा है, सगाई कर रहा है, मजे ले रहा है दोबारा से, है ना? उस बेचारी का ऐसा हाल कर दिया कि वो देखी कल उसकी कंडीशन क्या होती जब बुलाई भाई थी, है ना? देखी उसकी कंडीशन, इतने सालों से कोई नहीं बोल रहा था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा था, आज उठ उठ के नए नए लोग आ रहे हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने। जब किसी का बुरा वक्त आता है ना तो चारों तरफ से घिर के आता है, तो वही उसके साथ हो रहा है। उसको जब बुरा वक्त आ रहा है ना, सब चारों तरफ से उसकी तरफ घिर के आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कई बार कि वो घर पे कैसे रहती होगी, लोग उसको किस निगाह से देखते होंगे, अब वो कैसे खाना खाती होगी, कैसे अपने माँ बाप को फेस करती होगी, कैसे अपने भाई भाभी को फेस करती होगी। उसकी बेटी स्कूल जाती होगी, कोई छोटी न्यूज़ तो है नहीं है, उसकी 8 7 8 साल की बेटी है, वो स्कूल जाती होगी, उसके स्कूल के जो टीचर हैं उसको किस वे में देखते होंगे, उसकी माँ के लिए कैसे कैसे अपशब्द बोले जाते होंगे स्कूल में भी, रास्ते में अगर वो स्कूल बस से आते तो स्कूल बस में भी, टीचर्स भी उसको किस निगाह से देखते होंगे। तो इसलिए बोलती हूँ कि हम कोई भगवान नहीं है किसी को सजा देने वाले। नेहा को आई थिंक बहुत सजा मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा सजा मिल चुकी है, सजा मिल रही है दोनों पक्ष को, ऐसा नहीं कि एक तो मजे ले रहा है और एक को सजा मिल रही है, ठीक है? अब अगर वो हाथ जोड़ के तरस खा रही है, मांग रही है भीख कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो कर दो माफ़। और रही सुमित भैया की बात, देखो सुमित भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इंस्टाग्राम पर हर किसी से बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो सुमित भैया को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, उनके साथ भी बहुत धोखा हुआ है। तो अब सुमित भैया शादी करेंगे नेहा से, अभी सुमित भैया की तरफ से कोई वो नहीं हुआ है कि मैं शादी नहीं करूँगा, नेहा ने ही बोला है गुस्से में कि मैं शादी नहीं करूँगी सुमित से। तो देखो इफेक्ट तो सुमित की फैमिली में पड़ा है, नेहा की फैमिली में पड़ा है, और मेरे रतन सचिन की फैमिली पर तो कुछ पड़ा है, ठीक है? देखो तो मजे ले रहे हैं, मस्ती में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं वो लोग तो, ठीक है? तो कुल मिला के सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मैं कि इस टॉपिक को ना ख़त्म कर देना चाहिए। अगर बाई चांस आप एक काम करो कि नेहा कुछ कर ले, नेहा कुछ कर ले, क्योंकि देखो इतनी बदनामी होने के बाद ना आदमी का दिमाग ना घूम जाता है, आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर नेहा कुछ कर ले तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, क्या होगा फिर? आप लोगों की वजह से अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात बैठ गई, उसने कुछ कर लिया, सच में मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि यार गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उस गलती को माफ़ करना भी चाहिए, क्योंकि गलती करने वाला ज़्यादा, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। गलती इंसान से ही होती है, क्योंकि इंसान कोई भी सच्चाई का मूर्ख नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना होती हो। गलती हर किसी से होती है, अगर गलती सुधारी जा सकती है, अगर नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही है और सचिन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो दोनों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस चीज़ को इतना बढ़ावा मत दो कि जब फ़ोन देखो नेहा, जब फ़ोन देखो नेहा, जब फ़ोन देखो नेहा। यार उसकी हालत देखी, कैसी हालत हो रही थी कल, मुझे उसकी हालत देख के तरस आ रहा था कि कैसी हालत बना दी उसकी, है ना? माना उसने गलतियाँ की हैं, जो गलतियाँ की हैं उसकी सजा उसको मिल गई है, क्योंकि वो ऊपर वाला ना कहते हैं जब लाठी उसकी लगती है ना तो दर्द बहुत होता है पर आवाज़ नहीं होती, तो वो नेहा के साथ हो चुका, बस बहुत हो गया, अब छोड़ दो उसको, जीने दो उसको अपनी ज़िंदगी, बहुत बदनामी मिल गई उसको, है ना? इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।